हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स इन हिंदी पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे डीआरडीओ ने रच दिया इतिहास। दोस्तों, आजकल भारत इतनी प्रगति कर रहा है कि दिन भर दिन नए नए हथियार बना रहा है। ये हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी का मिसाल है। हमें गर्व होना चाहिए कि डीआरडीओ विश्व की टॉप 10 डिफेंस कंपनीज में शामिल है। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी रैंकिंग के पीछे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और खास आविष्कारों का हाथ होगा। इनमें से खास आविष्कारों की टेस्टिंग 1 जुलाई को हुई है। भारत ने अपनी ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को पहली बार उड़ाया। ये भारत का एक फुल फ्लेज्ड स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन की ओर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड यानी कि स्विफ्ट नामक टेस्ट को कर्नाटक के चित्रदुर्गा की एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज पर सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट किया गया था। ये डेमोन्स्ट्रेटर सिर्फ USB-2 स्टेल्थ बॉम्बर की तरह दिखता ही नहीं है, पर दोनों का फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन भी काफी मिलता है। ये इसे ज्यादा फ्यूल ले जाने और लंबे देर तक हवा में रहने के कैपेबल बनाता है। ये विमान को कम रडार सिग्नेचर भी देता है। डीआरडीओ ने कहा कि इस एयरक्राफ्ट ने एक परफेक्ट फ्लाइट का प्रदर्शन किया। इसमें फुली ऑटोनोमस मोड में टेक ऑफ, वे पॉइंट नेविगेशन और स्मूथ टचडाउन शामिल है। डीआरडीओ का कहना है कि ये फ्लाइट हमारे भविष्य में अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता के मामले में एक मेजर माइलस्टोन है। साथ में ये स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। डीआरडीओ ने ये नहीं कंफर्म किया कि ये फ्लाइट कितनी लंबी चली थी। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल को बेंगलुरु के डीआरडीओ के अंडर एक रिसर्च लेबोरेटरी में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने डेवलप और डिजाइन किया है। इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को एक छोटे से रशियन टर्बोफैन इंजन से पार किया गया है। एयर फ्रेम, अंडर कैरेज और पूरे फ्लाइट के कंट्रोल्स, एवियोनिक सिस्टम, ये सब चीजें डीआरडीओ ने देशज रूप से खुद डेवलप किया है। सूत्रों के मुताबिक इस ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को अभी और ट्रायल्स करवाए जाएंगे, जिसके बाद उसे मेन प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा, जो कि डिजाइन और कैपेबिलिटीज के मामले में काफी बड़ा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये डेमोन्स्ट्रेटर अपने एंड यूजर्स यानी कि भारतीय वायु सेना को अपने कैपेबिलिटीज को दर्शाएगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोला है कि ये उड़ान ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आत्मनिर्भर भारत के सपने के लिए क्रिटिकल मिलिट्री सिस्टम्स के मामले में एक दरवाजा अवश्य खोलेगा। अगर आपको भी हमारी तरह भारत और डीआरडीओ के अचीवमेंट्स पर गर्व हो रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके हमारे साइंटिस्ट और भारतीय वायु सेना के जवानों को हौसला बढ़ाने के लिए जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।